हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जितेंद्र सिंह और मैं आज आपको इंडियन आर्मी रैली संबंधित आपको जानकारी देना चाहता हूं। जी हां दोस्तों, मैं हमेशा आपके लिए नई नई जॉब्स लाता रहता हूं। दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलो। जी हां दोस्तों, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलो। दोस्तों, आपको मालूम है कि इसमें हर एक ट्रेड की वैकेंसी है, सोल्जर, GD, सोल्जर, टेक्निकल सोल्जर, नर्सिंग असिस्टेंट, सोल्जर ट्रेडमैन, सोल्जर क्लर्क। सोल्जर GD के लिए 17.5 से 21 साल है, सोल्जर टेक्निकल, सोल्जर ट्रेडमैन, सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट, सोल्जर ट्रेड्समैन एंड सोल्जर क्लर्क 17.5 साल से दोस्तों 23 साल तक होती है। दोस्तों, इसमें इसकी अप्लाई करने की डेट है 15 दिसंबर 2017 से 28 जनवरी तक। जी हाँ दोस्तों, इसका रोल नोटिफिकेशन मैंने लेट डाउनलोड किया दोस्तों, इसके लिए मुझे माफ़ करना, लेकिन इसके साथ दोस्तों इसका क्वालिफिकेशन आप चेक कर सकते हैं। सोल्जर GD में दोस्तों आपको 10th पास होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें आपके 45% होना चाहिए और हर विषय में 33 नंबर। अगर आपके 10th में नंबर कम है किसी भी विषय में या परसेंटेज कम है तो आप 10+2 का सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। अगर आपने सोल्जर टेक का फॉर्म डाल रखा है तो 10+2 पास होना चाहिए, हर विषय में 40 नंबर और 50% होना बहुत ज़रूरी है। सोल्जर टेक एम्यूनेशन एग्जामिनर ये एक ऐसी ट्रेड होती है दोस्तों, जिसमें कि आप जो क्लर्क टाइप का जो टेक्निकल डिपार्टमेंट होता है उसमें आपको दोस्तों जाना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, उसमें आपको जाना पड़ता है और उसमें बहुत टेक्निकल टैंक या असला गोला बारूद या फील्ड मिशन पे इन ट्रेडों में वर्क करना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों सोल्जर ट्रेड्समैन में 10th पास होना चाहिए ITI, और सोल्जर ट्रेड्समैन में क्लास ट्रेड्समैन जिसमें हाउस मेक्स कीपिंग या आपको वहाँ सफाई वाला ऐसे कोई पद देते हैं तो आपको कक्षा 8 पास ले लेते हैं। और क्लर्क सोल्जर क्लर्क की एलिजिबिलिटी है कक्षा 12 में 60% होना चाहिए, हर विषय में 50 नंबर। अगर आपके नंबर एक भी नंबर कम है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं दोस्तों। और आपने चाहे BSc पास किया हो चाहे जो कुछ, लेकिन क्लर्क में आपके 50 नंबर हर विषय में और 60% होना चाहिए। और आपको रैली भर्ती में आप फॉर्म भर देंगे तो जब इसका एडमिट कार्ड आएगा दोस्तों तो एजुकेशन सर्टिफिकेट आपको लेके आना होगा रैली में, ओरिजिनल, आपको कास्ट सर्टिफिकेट और डोमेंशन मतलब जो जात निवास ये भी लाना होगा आपको। अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन है तो आपको बहुत भारी छूट मिलेगी, आपको स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट लाना होगा जो डिस्ट्रिक्ट लेवल या नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल तक खेले, और आपको सब जूनियर जो भी गेम खेले भी दोस्तों। अभी यहाँ दोस्तों एरोप्लेन चले हैं, हमें जहाँ पे आर्मी में हूँ इसलिए उसकी आवाज़ आ रही है दोस्तों, मुझे माफ़ करना। और दोस्तों इसके लिए और NCC जिन्होंने किया उसे NCC A किया तो 5 नंबर, B किया तो 10 नंबर, C किया तो 15 नंबर। आपको क्लर्क, सोल्जर टेक्निकल एंड सोल्जर इन दोनों में आपको 15 नंबर मिलेंगे। सोल्जर ट्रेडमैन, सोल्जर GD का रिटर्न माफ़ होता है अगर NCC सर्टिफिकेट है तो। और आपको 20 कलर फ़ोटो लानी होगी, कोई ID प्रूफ लाना होगा, आधार कार्ड या पैन कार्ड या कोई वोटर ID। जी हाँ दोस्तों, अगर जो सन ऑफ एक्स सर्विस मैन है जिनके माता पिता या भाई बहन जो भी आर्मी में है तो उनको क्या नाम से बहुत भारी चीज़ में छूट मिलेगी, 20 नंबर तक उनके ऐड होते हैं और उन्हें रैली से थोड़ा अलग उनका बैच बन के दौड़वाया जाता है। और 20 रुपये का स्टाम्प पेपर जिसमें आपको पूरा आपको लिखवा के लाना होगा। दोस्तों आपका ये रैली भर्ती देख चुके हैं तो आपको मालूम ही होगा, आप मेरे नोटिफिकेशन को दोस्तों अच्छे से देख सकते हैं। अगर ये नोटिफिकेशन अच्छे से चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि ये नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, कमेंट बॉक्स में अपना फ़ोन नंबर लिख दें, मैं आपको ये सेंड कर दूंगा। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं। बाय दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों, ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।